दोस्तों बिग बॉस सीजन 13 के अंदर इस हफ्ते डबल एविक्शन होने की पूरी गुंजाइश है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले हफ्ते मधुरिमा को घर से निष्कासित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने विशाल आदित्य सिंह पर हाथ उठाया था, वो भी उनके बिना मर्जी के और उनका कोई भी पर्सनल मैटर नहीं था। इस वजह से सलमान खान ने इस बात पर बड़ा फैसला लिया और मधुरिमा को घर से बाहर का रास्ता दिखाया। इसी वजह से कोई और घर से एविक्ट नहीं हुआ, उन्हें निष्कासित किया गया यानी बेइज्जती कर निकाला गया। इसके अलावा आपको बता दें कि बिग बॉस के घर में इस हफ्ते काफी सारे लोग नॉमिनेटेड हैं और इस नॉमिनेशन से बचाने के लिए अपने-अपने कंटेस्टेंट को आपके पास महज 24 से 48 घंटे ही बचे हुए हैं क्योंकि दोस्तों इसके बाद वीकेंड का वार की शूटिंग खत्म हो जाएगी और वोटिंग लाइंस बंद हो जाएगी। आपको बता दें कि घर के अंदर सभी लोग काफी जद्दोजहद कर रहे हैं बचने के लिए। जहां वोटिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो घर में दो लोग तो ऑलरेडी सेफ थे और बाकी आसिम और रश्मि देसाई अच्छे वोट पाकर सेफ हो सकते हैं। बहरहाल खतरे की घंटी 4 लोगों पर अटकी हुई है, विशाल आदित्य सिंह, इसके अलावा घर के अंदर माहिरा शर्मा, शिफाली जरीवाला और सिंह, ये 4 ऐसे सदस्य हैं जो कि डबल एविक्शन में घर से बाहर का रास्ता देख सकते हैं। बहरहाल इन 4 में से कोई 2 ही बाहर जाएंगे। इन 2 का नाम अगर हम ले तो बॉटम में रह रहे विशाल आदित्य सिंह बाहर जा सकते हैं तो शिफाली जरीवाला भी बाहर का रास्ता देख सकती हैं क्योंकि काफ़ी समय से वो बहुत ज़्यादा बैकफुट पर खेल रही हैं और उनका कुछ खास पॉइंट ऑफ व्यू नज़र नहीं आ रहा। आसिम को छेड़ने के अलावा उनके पास कोई खास मुद्दा भी नज़र नहीं आता है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं और किसे आप डबल एविक्शन में घर से बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं, हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ वीकेंड का वार में सलमान की होस्टिंग के लिए कितने एक्साइटेड हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्लास लगने वाली है, जैसे कि क्लास लगेगी विशाल की संचालन के लिए, सिद्धार्थ की आसिम के साथ धक्का मुक्की के लिए, आसिम की प्रोवोकिंग के लिए और सहनाज गिल की क्योंकि उन्होंने सिद्धार्थ पर हाथ उठाया। हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खेलो खेलो को, जुड़ जाए हमारे साथ क्योंकि ये मिलती है बिग बॉस से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।